अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बेतिया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक दर्जन घायल, गांजा पीकर बस चला रहा था ड्राइवर, जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में बारातियों से भरी एक बस पलट गई, बस में सवार एक दर्जन से अधिक बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घटना जिला के शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदी टेढ़ा माई स्थान के समीप का है, जहां शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सभी घायलों को शिकारपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज पहुंचाया है, जहां सबका इलाज चल रहा है। वहीं घटना में घायल बारातियों में गुनाहा थाना क्षेत्र के मुरली बरावा गाँव निवासी ढोड़ाराम विकास कुमार अफरोज अंसारी समेत 14 लोग शामिल हैं। थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, बस को थाने लाया जा रहा है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने के बाद उसमें आग लग गया, हालांकि स्थानीय लोगों के पानी डालकर आग बुझा दिया और बस का शीशा तोड़कर सभी बारातियों को निकाला गया। लोगों ने यह भी बताया कि बस में सवार करीब 14 लोग घायल थे, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोग अपना निजी क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया है। वहीं घायल बारातियों ने बताया कि भीती हरवा के शत्रुघ्न राम के घर से बारात बेतिया के छवनी ललन राम के घर गई थी। शुक्रवार सुबह लौटने के क्रम में शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदी टेढ़ा माई स्थान के समीप घटना हुआ है। घटना का कारण आसपास के लोगों ने बताया कि हरदी टेढ़ा माई स्थान के पास बना ब्रेकर है। हालांकि बस में सवार घायलों ने बताया कि बस चालक गांजा पीकर तेज रफ्तार में बस चला रहा था, ब्रेकर दिखाई नहीं दिया और संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस पलट गई, जिससे बस में आग लग गई। लेकिन वहां के लोगों ने आग बुझाया और शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। घटना में 13 से 14 लोग घायल थे, जिसमें से 5-6 लोगों को अस्पताल लाया गया है और बाकी लोगों को हल्की फुल्की चोट लगी थी, वह अपना कहीं निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज़। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।